ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरनाशय ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अब तक हमने जो जो अध्ययन करा है उसको थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने भक्ति की भगवान इस पूरे ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। पहले रूप गोस्वामी पाद इसके लेखक हैं और मंगलाचरण करते हैं भगवान को। अखिल रसामृत मूर्ति सभी रसों के आगार, ठीक है, ये कह करके स्थापित करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। और फिर हमने क्या देखा, भक्ति रसामृत सिंधु को इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था। छह मुख्य उद्देश्य हमने देखे। पहला उद्देश्य क्या देखा, पहला उद्देश्य देखा कि आप लोग शेयर कीजिए क्या क्या है, आप लोग साझा कीजिए कौन कौन से छह उद्देश्य हैं। इसको हमने कई बार रिपीट करा है, तो इसको आप लोग साझा कीजिए कौन से छह उद्देश्य के द्वारा भक्ति गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद ने किन छह उद्देश्यों से ये ग्रंथ को रचित किया है जी। एक एक करके आप लोग बोल सकते हैं, है ना? देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्रभु। हम सबको गोस्वामी बनाना। हरि बोल हरे कृष्ण। बिल्कुल, पहला सबसे पहला प्रभु ने सही उत्तर दिया कि रूप गोस्वामी पाद का मुख्य उद्देश्य था कि हम सभी को गोस्वामी पद तक उठाना, ठीक है। गोस्वामी का क्या मतलब होता है? गोस्वामी का मतलब होता है, गो का मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है। हमारी इंद्रियां कितनी इंद्रियां होते हैं? 5-10 इंद्रियां होती हैं। एक कर्म इंद्रियां, दूसरा ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है। और कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा कर्म करते हैं,
इसको चर्चा हमने कर रखा है। ठीक है, ये हम अध्ययन जब अध्याय का पढ़ेंगे तो किसी न किसी समय इसको फिर चर्चा करेंगे। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि ये दसों इंद्रियां कौन कौन सी हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं और जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है गो, तो गो गोस्वामी, यानी कि जिसने सभी इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब और दूसरा एक क्या शब्द आता है, गोदास। गोदास का क्या मतलब होता है, गोदास का मतलब होता है वो जो इंद्रियों का दास है, इंद्रियों जो कहता है, इंद्रियां जो कहती हैं वो करता है। ठीक है, तो गोस्वामी पद तक उठाने के लिए, बिल्कुल ठीक। स्वागतिका माता जी, हरे कृष्ण माता, दूसरा बताएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रस पर भक्ति रस की जी भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए। हरी बोल, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता, बिल्कुल ठीक माता ने थैंक कहा। हरी भक्ति रस की सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये गोस्वामी पाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, भक्ति रस यानी कि भौतिक रस कौन सा रस होता है, चपल रस, चपल सुख, जो हम सुख भौतिक जगत में पाने की चेष्टा करते रहते हैं, वो क्या रहता है, एक क्षणिक सुख होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, चपल चपल सुख। तो गोस्वामी पाद का ये मुख्य उद्देश्य था कि भक्ति रस जो है भौतिक रस पे सर्वोच्चता उसको स्थापित करना। ठीक है, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। रुचिका माता जी, तीसरा बताएं माता प्लीज। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए हरे माता, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्लीज। जीवन में व्यवहारिक रूप से भक्ति को कैसे उतारें हैं? ये तीसरा पॉइंट। धन्यवाद, हरे कृष्ण, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद माता, बिल्कुल माता ने सही कहा। तीसरा मुख्य उद्देश्य भक्ति रस को, भक्ति जो है वो प्रैक्टिकल कैसे हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं, वो पूरा, तो हम आज उसको उसका उसी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, भक्ति रस की, भक्ति रस को व्यवहारिक कैसे बनाया जाए। ठीक है, ठीक है, हमने और अब बताएं, चौथा माता जी, वंदना माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तनवर प्रणाम प्रभु जी। पांच मेन मुख्य रसों के बारे में आपने बताया था कि शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। ये पांच मेन हैं और बाकी सेकेंडरी हैं। अगर हम इन्हें पांच रसों को प्राप्त मतलब नहीं कर पाते तो वो सेकेंडरी अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल इनके विषय बिल्कुल, में वर्णन किया था जी ठीक है, प्रभु बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, थैंक यू प्रभु धन्यवाद, जी। थैंक यू माता, माता ने सही उत्तर दिया। पांच जो रस हैं, उस पांच रस को हमें जागृत करने के लिए रूप गोस्वामी पाद हमें जागृत करने के लिए उद्देश्य से इस ग्रंथ को लिखा है, ये निकल के आता है। ठीक है, शिम्बु प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, और बताएं, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू, बिल्कुल प्रभु ने, हरि बोल प्रभु, बहुत अच्छा, बिल्कुल प्रभु ने सही उत्तर दिया कि सभी जीवों में, सभी जीवों के समान रूप से देखना और प्रेम, उन सभी जीवों को से प्रेम करना। ठीक है, ये पांचवा था, और अंततः स्वागतिका माता जी, हरे कृष्ण माता, छठा बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास करने वाले भक्तों के भक्तिमय जीवन का पोषण करें। थैंक बिल्कुल बिल्कुल, हरी 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 हरी, हाँ यू माता। थैंक यू। धन्यवाद माता, बिल्कुल छठा माता ने बिल्कुल सही दिया बताया, क्या बताया माता ने, बताया कि जो भक्ति में ऑलरेडी हैं, जो भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके भक्ति को और दृढ़ करना। ठीक है, तो ये छह मुख्य उद्देश्य से भक्ति रसामृत सिंधु का रचना किया गया। ठीक है, फिर भगवान, फिर मंगलाचरण के द्वारा, मंगलाचरण जब भी हम कोई भी नई नई चीज करते हैं, तो प्रभुपाद जी जब भी शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक जीव, आध्यात्मिक कोई भी चीज, तो हम मंगलाचरण करते हैं, तो प्रभुपाद अपने गुरु को, षड गोस्वामी को, सबको मंगलाचरण करके ये शुरू करते हैं। और
फिर भक्ति के कितने भक्ति कितने प्रकार की होती है हमने देखा। भक्ति चार मुख्य, सबसे पहला कि ये जो ग्रंथ है ये चार मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं धारा? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरे ग्रंथ को चार भागों में विभाजित किया गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 से लेकर के 19 अध्याय तक हम पूर्वी भाग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ हम पूर्वी पूर्वी भाग का अध्ययन अभी करेंगे। आपके भक्ति रसायन पूरा जो भक्ति भक्ति शास्त्री का जो कोर्स है वो सिर्फ आपको पूर्वी भाग पढ़ने का है। तो 1 से 19 अध्याय तक सिर्फ पूर्वी भाग पढ़ेंगे। पूर्वी भाग को भी चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? पहला भाग आता है सामान्य भक्ति, दूसरा भाग आता है साधना भक्ति, तीसरा भाग आता है भाव भक्ति और चौथा आता है प्रेमा भक्ति। तो सामान्य भक्ति क्या है? सामान्य भक्ति है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, उत्तम उत्तम भक्ति की परिभाषा। ठीक है, उस भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है हम अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को शून्य कर लें, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। ठीक है, ये है भक्ति की परिभाषा। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हम अपने अपने जो भी भौतिक कार्य करते हैं उसकी इच्छाओं को शून्य कर देना, ये नहीं कि उसको करना नहीं है, सारी चीजें करना, लेकिन कैसे करना है भगवद गीता में भगवान ने बताया हमें। ठीक है, उसको कर्तव्य के रूप में करना है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जितने भी अभिलाषाओं है उसको शून्य करना। ज्ञान लेना, ज्ञान कर्मा धनावृतम, ज्ञान लेने की भी जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम ज्ञान लें, शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान लें, तो ये इस इच्छा को भी शून्य करना। आज हम उस तीसरे अध्याय में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी शून्य करना। तो करना क्या है? अनुकूले न कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो पहले भक्त, ये जो श्लोका है, ये जो वर्ष है, बिल्कुल आप स्मरण कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा श्लोक है, वर्ष है। चार पांच मुख्य वर्सेस हैं भक्ति BRS के, भक्ति रसामृत सिंधु के, उसमें ये सबसे प्रमुख। ठीक है, तो पहला में भगवान बता रहे हैं क्या नहीं करना है और क्या करना है। अनुकूले न कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना है, जो प्रतिकूल है उसको हटा देना। तो ये उत्तम भक्ति है, ये सामान्य भक्ति। हम उत्तम, हमने सामान्य भक्ति को देखा। ठीक है, इसको सामान्य भक्ति कहा जाता है। और फिर हम आते हैं, हमने शुरू क्या किया सामान्य भक्ति में, हमने और क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला अध्याय पढ़ा जहाँ पर 6 प्रकार के भक्ति जो है वो 6 प्रकार की होती है। फिर हमने मुक्ति भी पढ़ा, मुक्ति कितना पढ़ा प्रकार की होती है मुक्ति, वैसे हम और डिटेल में आज भी अध्ययन करेंगे उसका, 5 प्रकार क्या होता है, लेकिन आज के अध्याय में इसको स्मरण करके रखिएगा, एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन 6 भक्ति की 6 कौन 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 से हैं? सबसे पहला आता है, अगर किसी को सबसे पहला आता है क्लेश अग्नि, अगर किसी को स्मरण कोई साझा करना चाहता है तो साझा कर सकता है, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ कि कोई साझा करना चाहता है, किसी को स्मरण है, याद है पहला अध्याय में किसने? बिल्कुल, बहुत सुंदर, देवेश प्रभु, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज, पहला बताइए प्रभु, देवेश चंद्र पारिया प्रभु, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्रभु। क्लेश अग्नि हरी बोल, बिल्कुल कलेश अग्नि, बिल्कुल प्रभु, हरे सेकंड कृष्ण। सेकंड बोलू क्या? बता सकते हैं, कोई और बोलना चाहता है क्या? ठीक है, सुनीता बंसल, पहले उन सबसे सुन लेते हैं। प्रभु प्रभु ने बिल्कुल सही बताया, कलेश अग्नि, कलेश अग्नि सभी कलेशों का नाश करता है। ठीक है, सभी कलेश कितने प्रकार के होते हैं, कलेश कहाँ से आता है? ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा कितने तरह के क्लेश होते हैं। 2 तरह के क्लेश होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ठीक है, हम जो पाप करते हैं, ठीक है, पाप जो हमारा होता है वो 2 तरीके 4 तरीके, वैसे तो 4 होता है, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम और प्रारब्ध। आप पढ़ेंगे तो जब आपने में पढ़ा होगा तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अप्रारब्ध क्या होता है? अप्रारब्ध जो जो पाप हमारे अंदर मन में संचित रहता है, बाहर परिपक्व हुआ नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, एक चोरी चोर चोरी करता है, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक चोर जब चोरी करता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो पकड़ा नहीं जाता, तो
जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक उसके पाप कर्म संचित हैं, अप्रारब्ध। और जय जो ही वो पकड़ा जाता है और उससे सजा होती है, जेल होता है, तो क्या हो जाता है, प्रारब्ध, वो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो पाप दो तरीके, चार तरीके का होता है वैसे। अप्रारब्ध, बीजम, बीज के रूप में होता है, कूटम, जब फूलने लग जाता है, और जब प्रारब्ध, जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है। ठीक, तो ये क्लेश अग्नि क्या करती है, जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये हर एक, हमने पढ़ा था, हर एक जगह ये एक प्रारब्ध लेवल में ही इसको काट देता है, फिर हमें आगे पाप को भोगना नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा भगवान एक इसलिए सभी कलेशों का नाश करता है। ओके, बहुत सुंदर। सुनीता बंसल माता जी, दूसरा बताइए माता, प्लीज। हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभदा समस्त कल्याणों का शुभारंभ करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शुभदा, जी माता ने समझाया अच्छे से, शुभदा मतलब शुभ लक्षण। ठीक है, तो ये शुभ लेकर के आता है। हमने देखा प्रभुपाद जी ने समझाया था कि हम भौतिक जगत में कितना भी प्रयास करते हैं, यूनाइटेड नेशन जैसे एक बहुत, संयुक्त राष्ट्र जैसा एक बहुत बड़ा संगठन को भी हमने संगठित किया, परंतु पूरे विश्व में क्या वो शांति लेकर के आ पाया, क्या शुभ लेकर के आया, कुछ कुछ भी शुभ नहीं लेकर के आया। अगर शुभ लेके आया होता तो एक देश दूसरे देश से आज लड़ाई नहीं कर रहे होते। ठीक, तो ये कहीं भी शुभ नहीं है। हम जो हमारा प्रयास है वो कोई भी शुभता शुभ नहीं लेकर के आया, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें जो ग्रंथ देखे, प्रभुपाद जी ने जो चीज स्टैब्लिश किया है पूरा, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे सब शास्त्र के अनुसार ही पूरा स्टैब्लिश किया, पूरा स्थापित किया। ठीक है, ये इस्कॉन की एक एक जो प्रिंसिपल है वो इन पूरे शास्त्रों में उन्होंने दे रखा है। शुभ है, एक ही छत्र के नीचे उन्होंने सभी धर्म संप्रदाय और देश के लोगों को इकट्ठा किया, सब ने ये माना कि सबके पिता एक ही हैं और सब भगवान के नाम को, भगवान को ही अपने पिता के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये शुभ लक्षण। ठीक है, शुभदा माता जी ने बहुत अच्छे से समझा। ओके, प्रवेश गोयल प्रभु जी, हरे कृष्णा, तीसरा बताएं प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीसरा तीसरा प्रभु जी है सांद्रानंद विशेष आत्मा, यानी कि शुद्ध भक्ति समेत दिव्य आनंद प्राप्त करने वाली। बहुत सुंदर, बिल्कुल, हरि बोल, हरि हरि, प्रभु ने सही उत्तर दिया। सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब क्या है, ये हम भक्ति होने से हमारी आनंद आनंद की स्फूर्ति होती है। आनंद की स्फूर्ति मतलब जो चपल सुख के लिए पीछे पड़े हैं वो चपल सुख जाता रहता है और हमें आनंद का महसूस होना है, मैनिफेस्ट होता है आनंद। ठीक है, ये हो गया, और चौथा बताएं। वंदना माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुदुर्लभा जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, मतलब उसमें भगवान ने मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति देने में थोड़ा सा, मतलब उनका यह है कि हर एक जीव को भक्ति प्रदान नहीं करते हैं भक्ति, और जिनको भक्ति देते हैं वो भगवान, मतलब भगवान उनके दास बन जाते हैं। बहुत हरी 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 बोल, बहुत धन्यवाद माता, माता जी ने सही समझाया है। सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, भगवान भक्ति आसान से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनके दास, उनके 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 दास बन जाते हैं। ठीक है, तो भगवान आसान से भक्ति नहीं देते। ठीक है, दो और बच जाते हैं प्रवेश प्रभु, और बच गए हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण, दंड प्रभु, एक प्रभु जी है मोक्ष लघुता, यानी कि शुद्ध भक्त को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, यानी कि कुछ लोग तुच्छ समझते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति को हर इंसान नहीं जान सकता। बिल्कुल, हरि बोल, हरि हरि, और छठा प्रभु जी है श्री कृष्णा कृष्णनी, यानी कि शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्ष करने का एकमात्र साधन है, यानी कि जो शुद्ध भक्त होता है वो श्री कृष्ण को आकर्षण करता है और उसके दिल में बस जाता है, जब वो जब दिल में बस जाता है उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, उषा माता जी आपने हैंड रेस किया था, बताइए। प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया मोक्ष लघुता। ठीक है, मोक्ष लघुता, आप अनम्यूट कर सकते हैं, छठा बता सकते हैं। उषा माता जी अनम्यूट कीजिए, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज बोलिए, छठा क्या है, माँ प्रभु ने बताया वैसे उसको, और आप रिफाइन करके अच्छे से समझा दीजिए।
प्रभु जी, कृष्ण आकर्षणीय है, भक्ति ये भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है, भक्ति से ही भगवान आकर्षित होते हैं। भगवान का आकर्षण का और कोई तरीका नहीं है। मन मना भव मत भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु माम वेश्या श्री युक्त एवं आत्मानं मत परायण। भगवान हमें यही संदेश देते हैं, पूरे गीता में यही संदेश देते हैं कि सिर्फ मेरी भक्ति करो, मन मना मेरी भक्ति करो। तो भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करती है। तो ये हमने 6 तरह के भक्ति देखी। पिछले सत्र में हमने क्या देखा? पिछले सत्र में हमने देखा ये सामान्य भक्ति हो गया। फिर दूसरा भाग में हम जाते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति हमने शुरू किया। साधना भक्ति के हम दो हमने भक्ति देखा दो साधना भक्ति में क्या क्या आता है इसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, सामान्य भक्ति हमने देख लिया, भक्ति ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, साधना भक्ति, साधना भक्ति का क्या मतलब होता है जो दूसरे अध्याय से शुरू हुआ है? साधना भक्ति का मतलब होता है साधना भक्ति दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, वंदना माता जी कुछ हैंड रेज है आप बता सकते हैं? जी बताइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधना भक्ति जो हमारे संचित भक्ति है उसे जागृत करना, ये दो प्रकार की होती है, वैधि और रागानुगा भक्ति। बिल्कुल, हरी बोल। यस, साधना भक्ति माता ने सही से बताया। साधना भक्ति का क्या मतलब होता है कि साधना भक्ति हम अपने प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से हमारे जो अंदर में भक्ति भक्ति हमें कोई करने के लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति हमारे में संचित है। ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु कबू नाई शरण श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करा य उदया। सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है उसको उसको व्यवहारिक रूप से जो हमारे गुरु वर्ग हमें समझाते हैं उस तरह से जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला को करने से हम क्या है शुद्ध चित्ते श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर या उदय, हम इसको उदय करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस को कहते हैं साधना भक्ति। तो साधना भक्ति माता ने समझाया कि दो तरीके की होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है, रागानु वैधि भक्ति क्या होता है? वैधि भक्ति हमने पढ़ा है, अभी हम सिर्फ वैधि भक्ति ही पढ़ेंगे। 2 से लेकर के 14 अध्याय तक वैधि भक्ति की ही को पढ़ने वाले हैं। आज भी वैधि भक्ति, वैधि भक्ति का मुख्यतः का मतलब यह है कि अभी शुरुआत हो रहा है, जे हम मुझ जैसा भक्त के लिए ये क्या है वैधि भक्ति। अभी उसको भगवान पे कोई प्राकृतिक आकर्षण नहीं आया। ठीक है, कोई प्राकृतिक आकर्षण नहीं है, बस वो क्या कर रहा है गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। गुरु ने आदेश दिया है, क्या किया है गुरु ने, कुछ प्रवृत्ति दिए हैं, कुछ निवृत्ति दिए हैं। प्रवृत्ति क्या दिए हैं? 16 माला करना। और निवृत्ति क्या दिया है? 16 माला करना, सुबह मंगल आरती करना, मंदिर के प्रोग्राम को अटेंड करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये कुछ प्रवृत्तियां हैं यानी डूज। कुछ निवृत्तियां क्या है? निवृत्ति क्या है? निवृत्ति दिया गया है कि क्या नहीं करना है, तो 4 नियमों का पालन करना। तो जो वैदिक भक्ति करता है उसमें अभी वो रस नहीं आया है कि हरे कृष्णा महामंत्र करने का, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 16 माला कर रहा है, लेकिन 16 माला करने में सिर्फ उसके गुरु वर्ग ने उसको बता दिया है इसीलिए वो कर रहा है। परंतु उसको जैसे ही 16 माला होता है उस 16 माला ये बैग जो है साइड में रख देता है, उसको ये महसूस नहीं होता है कि क्या अरे ये तो समय खत्म हो गया। अभी वो राग उत्पन्न नहीं हुआ है कि मेरा समय आज कैसे खत्म हो गया कि मेरा 16 माला खत्म हो गया, वो राग उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे ही खत्म हुआ वो रख दिया, वो कहा जाता है वैधि भक्ति। बस वो फॉर्मूला जो दिया है उसको पालन कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं वैधि भक्ति। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द पे उसको रस आने लग जाता है और पता नहीं चलता कब 16 माला उसका खत्म हुआ। और जैसे ही खत्म होता है उसका मन कचोटने लग जाता है कि क्यों ये 16 माला खत्म हो गया। तो उसका क्या मतलब हो गया? उसका मतलब हो गया कि उन फॉर्मूला को
करते करते प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आता है जब राग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम साधना की वैधि भक्ति का हमें अनु को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। वैधि भक्ति क्या है? नियम और विनियमों का पालन करना। ये तब होता है जब कोई अपनी भक्ति सेवा कर रहा होता है, क्योंकि उसे शास्त्र द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया है। सुबह जल्दी उठने से लेकर मंगल आरती में भाग लेना, 16 माला जपना, देवताओं के लिए फूल इकट्ठा करना आदि सब कुछ वह कर्म से आता करता है। भक्ति में ही सेवा करने की प्रेरणा बाहरी स्रोतों से आ रही है। जो कोई नियमित भक्ति सेवा में लगा हुआ है, सुबह जल्दी उठना, देवता की पूजा करना, सभी सिद्धांतों का पालन करना, किसी स्तर पर धीरे धीरे यह उन गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक रुचि विकसित करना, और फिर वह इन गतिविधियों का सहज उत्सुकता या सहज प्रशंसा के साथ करेगा। इसे राग अनुभव के साथ वेदी के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन भक्ति सेवा की प्रथाओं के लिए यह सहज पसंद राग अनुगा भक्ति की वास्तविक परिभाषा नहीं है। कुछ और भी है जो राग अनुगा भक्ति के मंच पर लाता है। तो वैधि भक्ति क्या है? प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना शुरू, अभी फॉर्मूला का पालन कर रहे हैं, राग उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि 16 माला करना, ये जो 4 निषेध हैं, इन 4 नियमों का पालन करना कोई सामान्य बात नहीं है। हम अपने जो साधक होता है, मुझ जैसा कनिष्ठ भक्त जिसने भक्ति शुरू की है, उन 4 नियमों का पालन करना हर दिन। अभी हरे कृष्ण महामंत्र में रस नहीं आया है, भगवान के लीलाओं को कर भगवान की लीलाओं को कथाओं को बोलने में रस नहीं आया है। बस बोलने का समय आ गया, बोल दिया, लेकिन वो रस नहीं उत्पन्न हुआ है। ठीक उसी तरह 16 नियम, जो 4 नियमों का पालन करने में हर दिन वो संघर्ष करता है, हर दिन वो संघर्ष करता है। शूल प्रभुपाद को एक दिन किसी ने कहा कि आप उनके बीच में जा रहे हैं, हिप्पियों के बीच में जा रहे हैं, जो हर तरह का घृणित कार्य करते हैं, चाहे वो LSD जैसे नशापान करना, अवैध स्त्री संग करना, ठीक है, हर तरह का गोमांस का खाना, शराब और इस तरह का अवैध नशा करना, जुआ खेलना, ये सब तरह का कार्य, घृणित कार्य, पूरे संसार में जो भी जितने भी घृणित कार्य थे उसमें सबसे पलीत जो संख्या थी उनके बीच में श्री प्रभुपाद गए, और उनके सामने वो गए। किसी ने उनसे पूछा कि आप उनके संस्कार को आप अपने भाव अपनी बात कैसे कह पाएंगे, आपको तो उनके संस्कार को अपनाना पड़ेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, मुझे उनके संस्कार को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप सोच करके देखिए कितना स्ट्रांग शब्द है, कितना ही कितना दृढ़ विचार है कि कोई बिल्कुल भौतिक इन रसों में बिल्कुल उसका स्वामी बन गया है, अपनी सारी इंद्रियों का स्वामी बन गया है हम। लेकिन एक साधक क्या है, हर दिन इन नियमों को पालन करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। उसके लिए ये नियम कोई आसान नहीं है, उसकी योग्यता नहीं हुई है कि इस तरह का कथा कर सके आपके साथ, भगवान की कथाओं का कर सके। ठीक है, तो ये है वैधि साधना, रागानुगा भक्ति। हम आगे पढ़ेंगे रागानुगा भक्ति, भक्ति सेवा का सहज अभ्यास। ऐसा नहीं कि भक्त शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अपनी गतिविधियों को करने के लिए उसकी प्रेरणा उसके सहज झुकाव से आ जाती है, झुकाव आने लग जाता है। किसी दिन अगर सुबह का अलार्म नहीं बजा, फिर भी नींद से जग जाएगा वो कि अरे आज अलार्म 5 मिनट बाद ही नींद से जग जाएगा, अरे आज अलार्म नहीं बजा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ठीक है, हमारे अंदर वैधी या रागानुगा दोनों का मिश्रण हमारे अंदर वैधी रागानुगा दोनों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि अक्सर शास्त्रों के अनुसार हमारी भक्ति सेवा के अभ्यास में सहज भाव हमारे पास आते हैं। वह सहज भावनाएं हमारी भक्ति सेवा में रागानुगा के तत्व हैं, और इसकी खेती की जानी चाहिए। हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए और अपने हृदय से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम ऐसा करने का आदेश दिया गया, बल्कि इसलिए कि हम उनमें उनसे प्रेम करते हैं। यह बहुत ऊंचा मंच है। तो रागानुगा भक्ति जब राग उत्पन्न हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेदी भक्ति के नियमों को पालन करना वो छोड़ देता है। ठीक है,
मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब उसे राग उत्पन्न हो जाता है तो वेदी भक्ति के नियम उसके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं, स्वतः ही 16 माला कर लेता है। 16 माला करने के लिए उसे अपने संघर्ष नहीं करना पड़ता, मन को समझाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का व्हाट्सएप आया है, मैसेज आया है, आज किसी का मोबाइल आ गया, किसी का फोन कॉल आ गया, उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं है, राग उत्पन्न हो गया, वो 16 माला अपना स्वयं स्वयं से कर लेता है। सिद्धांत उस वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कभी नहीं छोड़ता है। वैदिक साधना भक्ति शास्त्रों से नियम और कानून है, और इतने सारे नियम और कानून और उनका अभ्यास एक शुद्ध करेगा भक्त करेगा और उसे भाव भाव भक्ति के चरण में लगाएगा। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। इसको परिभाषा क्या है वैदिक साधना भक्ति के, जब भगवान के प्रति कोई लगाव या कोई सहज प्रेम पूर्ण सेवा नहीं होती और कोई व्यक्ति केवल आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना या शास्त्रों के अनुसार अनुसरण में भगवान की सेवा में लगा रहता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब है कि बस नियमों का पालन करना है, लेकिन वो नियमों का पालन करते करते सिर्फ नियमों का पालन करता भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हमने इसका प्रमाण भी देखा। क्या प्रमाण देखा हम आज और उस प्रमाण को देखेंगे। ठीक है, यदि कोई नियमित रूप से वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति के लिए ऐसी सेवाएं करता है तो वह धीरे धीरे भगवान के शुद्ध प्रेम में सेवा करने के मंच पर चढ़ जाता है। नारद पंचरात्र में हमने पढ़ा इस फॉर्मूला को, करते 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 उसका स्तर धीरे 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 ऊपर हो जाता है। ठीक है, चलिए अध्याय 3 में क्या हम पढ़ने वाले हैं, भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण। अभी हम वैदिक भक्ति ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिकारी के लक्षण हम पढ़ेंगे, कौन कौन से अधिकारी होते हैं भक्ति में, कितने तरह की भक्ति होती है, भक्ति के भक्तों के आज लक्षण जानेंगे। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ भक्ति, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भक्ति योग के अधिकारियों के लक्षण पढ़ेंगे, उनकी योग्यता क्या, ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की पात्रता, कनिष्ठ भक्त, 3 तरीके के भक्त होते हैं, उन तीनों भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और वैधि साधना भक्ति में क्या क्या बाधाएं आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है इसके बारे में चर्चा। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है श्लोक है, यद्र इच्छा मत कथा दौ जात श्रद्धास्तु यह पुमान, न निर्वणो न अति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्ध सिद्ध। यदि सौभाग्यवश किसी प्रकार से मेरी महिमा सुनने, ये कौन कह रहा है, भगवान उद्धव से कह रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के एक एक शब्द जो है वो दूसरे शास्त्रों का साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर करके सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करते करते कैसे अनुराग उत्पन्न होता है। देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण उद्धव को, यदि सौभाग्यवश किसी प्रकार से मेरी महिमा सुनने और कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक जीवन से ना तो घृणा होती है और ना ही बहुत आसक्ति होती है, उसे मेरी प्रेममय भक्ति के मार्ग में सिद्ध प्राप्त करनी चाहिए। तो हम क्या आज पढ़ रहे हैं, पात्रता, एलिजिबिलिटी। तो भगवान ने पहले ही बता दिया क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है। योग्यता बहुत ही सरल है, क्या है, मेरी महिमा और कीर्तन सुनने का श्रद्धा उत्पन्न होता है। तो जो 9 चरण होते हैं भक्ति के, उसमें सबसे पहला क्या आता है, श्रद्धा। किस चीज का श्रद्धा, भगवान के लीलाओं, गुण रूप लीलाओं को सुनने का श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। बस यही पात्रता है, यही पात्रता है, यही योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, फिर भी भक्ति के प्रारंभिक चरणों में कर्म के प्रति वैराग्य भक्ति का पक्ष लेता है और कृष्ण में एक विशेष एकाग्रता लाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम
क्या एलिजिबिलिटी भगवान ने बताया उद्धव को? केवल श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम तीन प्रकार के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं वो तीन प्रकार के भक्त। ठीक है, तो आप अपने जिनके जिनके पास ग्रंथ हैं वो खोलिए, ग्रंथ में कुछ कुछ हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और फिर हम उससे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कितना व्यवहारिक है। हमने आज उद्देश्य को चर्चा किया ना, कि उद्देश्य इसको व्यवहारिक कैसे भक्ति को बनाना है। भगवान व्यवहारिक करने के लिए बहुत ही सरल बताती, सिर्फ हमें श्रद्धा उत्पन्न करना है भगवान के भगवान की लीलाओं को, गुण रूप को सुनने का श्रद्धा उत्पन्न करना है, वही पात्रता है, और कोई पात्रता नहीं, वही योग्यता है। हैंड रेस कीजिए और यहां तक पढ़िए, ये तात्पर्य को पढ़िए। तीन तरह के भक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग भाग लीजिए इसमें कुछ। जी वंदा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज पढ़िए हरे आप। कृष्ण प्रभु जी। भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण की पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्षण लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त बन जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। हरे जब हम कृष्ण, युक्त हरे और कृष्ण बिल्कुल बोलते बिल्कुल हरे कृष्ण। पहले भक्त कौन होते हैं? उसको कहते हैं उत्तमा भक्त। उत्तमा भक्त के क्या चरित्र बता रहे हैं? उत्तमा भक्त के चरित्र का विश्लेषण कर रहे हैं रूपा जी, कि वो उस भक्त का लक्षण क्या होता है। शास्त्रों में सबसे पहला, शास्त्रों में निपुण होता है, तत्व को समझता है, फिलॉसफी को समझता है। ठीक है, तत्व में उसका बिल्कुल तत्व को समझ चुका है, शास्त्रों का निचोड़ को समझ चुका है। ठीक है, दूसरा क्या बताते हैं कि वह ये भी जान गया है। क्या जान गया है? वो शास्त्र को अध्ययन कर रहा है ज्ञान के लिए नहीं। ठीक है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा है ज्ञान कर्माधनावृतम। ज्ञान लेना भी वो क्यों लेना है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूषतमा। अपनी भक्ति को भगवान के चरण में स्थापित करने के लिए भगवान ही सर्वोच्च हैं, उनको समझने के लिए वो ज्ञान ले रहा है। और उनको समझ के क्या करता है? वो उनको समझ के दूसरों को भी समझाता है, क्योंकि तत्व का ज्ञान हो गया है। पहला तो उसको उनको वो क्या हो गया, उनको उत्तम भक्ति भक्त के शास्त्रों में निपुण है, तत्व को समझ गया है पहला। दूसरा, तत्व को समझने का उद्देश्य भी समझ गया है। वो ज्ञान क्यों लेना चाह रहा है? ज्ञान इसलिए लेना चाह रहा है कि कृष्ण ही जीवन के प्रेम परम लक्ष्य हैं।
इस तत्व को समझने के लिए वो ज्ञान ले रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या उसके पास गुण आ रहा है कि अपने गुरु को सदगुरु के शिक्षण में विधि बनान के दृढ़ता से पालन करता है और निश्चल भाव से उसका अनुसरण करता है, अपने गुरु के बातों को निश्चल भाव से अनुसरण करता है। श्रील प्रभुपाद 40 वर्ष तक संघर्ष करा उन्होंने पूरे भारत में इस संस्था को स्थापित करने के लिए, बहुत संघर्ष करा, कई राजनेताओं के पास गए, धर्म के नेताओं के पास गए, सबको उन्होंने लिखा, चिट्ठी लिखा, सभी राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन सभी को, जवाहरलाल नेहरू सभी को उन्होंने पत्र लिखा, परंतु उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला यहाँ पर स्थापना करने के लिए, ठीक है। परंतु उनके इतना हतोत्साहित होने के बाद भी उनके पास दो चीजें जो थीं, वो उनको जीवन का उद्देश्य के प्रति वो पूरे पूर्ण रूप से दृढ़ थे। वो क्या थे? दो चीजें थी। अब उनके गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनका 150वां हम पुण्यतिथि का पूरे इस्कॉन में उनका सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को इन ग्रंथ को पहुंचाओ, और दूसरा ग्रंथ किताबें छापो, ठीक है। ये दो गुरु का अनुसरण था, और तीसरा भगवान पे उनको पूर्ण विश्वास था। 40 वर्ष, 69, एट एज ऑफ 69, 69 वर्ष, जब जब एक व्यक्ति रिटायर कर जाता है, वो रिटायर करने के बाद भी बिना पैसे के 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए, और वहां पर उन्होंने 1 साल फिर वहां भी संघर्ष करा, और तब जा करके ये इस्कॉन संस्था का स्थापना किया उन्होंने, ठीक है। तो सोचिए दो मुख्य चीजें क्या हैं, गुरु के उद्देश्य कभी अनुसरण से उन्होंने, जबकि वो अपने जो जितने भी गुरु भाई थे उन गुरु भाइयों को उन्होंने बहुत विनती की, ले उनके गुरु भाई क्या समझते थे, उनके गुरु भाई समझते थे कि ये कार्य तो कितना कठिन है, कार्य कितना कठिन है कि भारत भारत में भारत भूमि तो एक तरह से यहाँ पे किसी न किसी तरह से लोग भक्ति में लगे हुए हैं, कुछ नहीं तो सभी कहीं ना कहीं किसी हर घर में भक्ति होती है, कम ज्यादा वो अलग है लेकिन होती हर जगह। तो यहाँ पे स्थापित जो नहीं हो पाया, एक ऐसी जगह में जाके स्थापना करना जो पूरा पूर्ण रूप से एथिस्ट है, यानी कि नास्तिक है, ठीक है। वहां पे नास्तिकतावाद को, भौतिकतावाद को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप पूरे भौतिक जगत में पूछें, पूरे इंडिया में पूछें, या भारतवर्ष में, पूरे देश, पूरे विश्व में पूछें कि सबका काम करने का सबसे कहां स्वप्न नगरी कौन है, तो वो बोलेगा अमेरिका। लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे निम्न जगह था, ऐसा प्रभुपाद जी अपने जब बॉस्टन से आते हैं तो इस तरह से वो व्याख्या करते हैं कि बोलो कृपा करो, गुरु कृपा कोइले कृष्णा था मेरा प्रति की लागिया नीले है ता कोरो ए बेगती। रूपा जी कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया, इनके बीच में मुझे आपने क्यों भेजा है, शायद आपको ही मालूम होगा, भगवान को बोल रहे हैं, शायद आपको ही मालूम होगा कि क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उत्तम भक्त कभी भी गुरु के अनुसरण से, आज्ञा से वो विचलित नहीं होता, चाहे कितना भी उसके जीवन में हतोत्साहन आया हो, जो प्रभुपाद जी अपने आचरण से हमें बताते हैं, ठीक है। और क्या लिखा बताते हैं, इस प्रकार प्रचार और गुरु रूप में कार्य करने की पूरी शिक्षा पाकर वह उत्तम अधिकारी हो जाता है, और उसमें ये शास्त्र, एक शास्त्र में पटु हो गया, गुरु का अनुसरण करने लगते हैं, भगवान पे पूर्ण विश्वास हो जाता है, तत्व को समझ जाते हैं, फिलॉसफी को समझ जाते हैं, और ग्रंथ को पढ़ने का उद्देश्य को समझ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उद्देश्य को समझ के अपना जीवन तो सार्थक किया उन्होंने, और दूसरों को जीवन को भी सार्थक करते हैं। जीवन सार्थक करो, करोपकार, ठीक है, सबको कृष्ण से जोड़ते हैं। एक उत्तम भक्त अगर हरि का नाम लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, सामने वाला भी हरि का नाम ग्रहण करता है, ठीक है।
ये है उत्तम भक्त के लक्षण। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अंडेस कीजिए, मध्यमा भक्त के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए माता। डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तृतीय हरे कृष्ण प्लीज। श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है हरे कृष्ण जिसका न माता, तो हरे विद्या, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। मध्यमा भक्त, उत्तम भक्त के हमने लक्षण पढ़ लिए, मध्यमा भक्त के लक्षण क्या है? मध्यमा भक्ति, मध्यम भक्त के लक्षण है कि शास्त्रों में अभी निपुणता नहीं आई, ठीक है, शास्त्रों के तत्व को पूरी निपुण नहीं हुआ है, तत्व को समझ गए हैं, वो तात्पर्य, वो उद्देश्य समझ गए हैं कि हम, मुझे जीवन का उद्देश्य क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, लेकिन इनमें वो अभी पटुता नहीं आई है कि अपने वाक से दूसरों को वो विपक्ष को काट सकें, ठीक है, तो विपक्ष को काट नहीं सकते क्योंकि शास्त्रों में निपुणता नहीं आई है, लेकिन उनको तत्व का उद्देश्य मालूम चल गया है, उद्देश्य पे पूरा दृढ़ हो गए हैं, कृष्ण ही परम है, इस उद्देश्य को वो पूर्ण रूप से समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनका प्रैक्टिस थोड़ा बाकी है, शास्त्रों में निपुणता नहीं आया है, ठीक। अब कनिष्ठ भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्ठ भक्तों के बारे में कोई हैंड रेस कीजिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि पूरा अध्याय हम कनिष्ठ पे ही चलेंगे, कनिष्ठ का बहुत इस विस्तार से विवरण है, ठीक है। पहले उषा माता जी को, उषा माता जी ने पहले हैंड रेस किया था भी, और बहुत मौका आएगा माता जी, सबको, सब पढ़ेंगे प्लीज। शास्त्र के निश्चय में अनिपुण और कोमल श्रद्धा वाला कनिष्ठ भक्त कहलाता है। उसकी श्रद्धा को कोई दूसरा अपने प्रबल तर्क अथवा शास्त्र के आधार पर तर्क करने और प्रमाण देने की योग्यता नहीं होती, परंतु जहाँ मध्यम अधिकारी में ध्येय में श्रद्धा रहती है, कनिष्ठ में ध्येय में कोई दृढ़ श्रद्धा भी नहीं होती, इसलिए वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। तो कनिष्ठ भक्त का सबसे जो शुरुआती, जो साधक है, मुझ जैसा व्यक्ति जो साधक है, जिसमें किसी भी तरह का भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी श्रद्धा जो है उत्पन्न तो हुआ है लेकिन कोमल है। कोमल का क्या मतलब है? कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कल को उसके किसी ने उनको बोल दिया कि अरे हरे कृष्ण मंत्र से क्यों कर रहे हो, ये मंत्र करो, हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही कोमल है, कभी भी वो विचलित हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको ये मालूम है कि भगवान कहाँ है, भगवान मंदिरों में रहते हैं, अर्ष विग्रह में रहते हैं, इसके अलावा वो भगवान को मंदिर के बाहर नहीं देख पाता, ठीक है, अभी श्रद्धा जो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, उसको कनिष्ठ बोलते हैं, जो अभी साधना में पटु नहीं हुआ है, उसकी साधना जो है परिपक्व तो नहीं हुआ है, और दूसरा शास्त्रों का उद्देश्य को भी अभी नहीं समझा है। तो हम समझ गए क्या है, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, शास्त्रों में निपुणता नहीं है, श्रद्धा कोमल है, कहीं भी डेविएट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और ऊपर विकसित होता है, शास्त्रों को वो पढ़ता है, अभी पटु नहीं हुआ है, परंतु उसमें श्रद्धा विकसित हो गई है, और भगवान ही ईश्वर, ही ईश्वर है, परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चित आनंद और विग्रह है, इस पे पूर्ण श्रद्धा उसका विकसित हो गया है,
और सबसे ऊपर कौन आते हैं? सबसे ऊपर आते हैं उत्तम भक्ति। वो क्या है? जीवन सार्थक करो करो उपकार। वो अपना जीवन तो सार्थक उन्होंने किया, लेकिन उससे ज्यादा क्या करते हैं? दूसरों का जीवन का उपकार करते हैं। प्रभुपाद जी, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी बताया था, प्रभुपाद जी हर को ये जब ग्रंथ लिख रहे हैं, वो तो ग्रंथ एक ज्ञानी के भाव से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कि मुझे ज्ञान देना है, मुझे इतना ज्ञान है, सारे शास्त्रों को निचोड़ को ज्ञान के रूप में नहीं दे रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अपने शास्त्रों के माध्यम से वो एक डॉक्टर है और हम जैसे मरीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हर को वो मरीज के रूप में देखते थे कि इनको किस तरह से कृष्ण भावना अमृत से जोड़े, क्योंकि ये जीवन में ये व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो इसको अगर ये भगवान से इनको जोड़ देते हैं तो ये जीवन इसका सुखमय हो जाएगा। प्रभुपाद जी बस यही सोच करके सारे ग्रंथ को उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ये उत्तम अधिकारी। अब हम थोड़ा सा कनिष्ठ अधिकारी के विवरण करेंगे, ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चलते हैं, पीपीटी में जाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर फिर आएंगे हम लोग। ठीक है, उत्तम भक्ति हमने देख लिया, क्या कौन होते हैं उत्तम भक्ति, ठीक है। कनिष्ठ भक्ति क्या है? मध्यमा भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं है, शास्त्र में निपुण नहीं होता, लक्ष्य में, लेकिन लक्ष्य मालूम है, लक्ष्य उसको मालूम है कि क्या करना है, मालूम है कि ईश्वर परम कृष्ण भगवान ही उसारे। वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विधे वचाहम्। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ते हैं ना, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतैर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विधे वचाहम्। वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। ये समझ गया है मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का क्या है? कमजोर विश्वास, अभी कोमल है, कहीं भी जा सकता है। अगर किसी ने बोल दिया, अरे तुम क्या ये भोग लगा के दे रहे हो, भोग लगाते हो, जैसे लगाते हो वैसे ही तो प्रसाद लेकर के वापस आ जाते हो, तुम तो कहते हो भगवान इसको ग्रहण करते हैं, तो कहाँ भगवान, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो फिर वैसे ही लेकर के आ जाते हो। तो अभी पटु नहीं हुआ है, शास्त्रों में पटु नहीं हुआ है, अभी विश्वास जो है कमजोर है, शास्त्र नहीं जानता, आसानी से मजबूत तर्कों से प्रभावित हो जाता है, कोई उसको समझा देगा तुरंत, क्यों? क्योंकि अभी रस नहीं उत्पन्न हुआ है, तो कोई भी उसको समझा देगा तो तुरंत वो उसकी जो श्रद्धा है वो हिल, इधर से उधर हिल जाएगी, और भौतिक जरूरों से प्रभावित रहता है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है। गजा, ये कितना अच्छा फोटो है, ये गजानन का है, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको कौन कौन से, ठीक है। अब ये जो है कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त के बारे में हम विस्तार से इसको पढ़ते हैं। भगवद गीता में 7:16 में ये बताया गया है, भगवद गीता में 4 दुष्कीर्तनों के बारे में बताया गया है और 4 सुकीर्तनों के बारे में बताया गया है। 4 सुकीर्तनों कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो अर्थार्थी, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 है, कौन कौन से, कौन कौन से हैं? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ठीक है। ये कनिष्ठ लोग हैं। आर्थ कौन होता है? आर्थ, आर्थ जो किसी तरह से कोई तकलीफ में है, ठीक है, तकलीफ में है, जैसे गजानन, गजानन क्या थे? गजानन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ये कोई सामान्य भौतिक जगत के हाथी नहीं थे, ये ऊपर के लोगों के हाथी थे, भगवान के भक्त थे। तो और क्या हो गया इनको? और इनको मगर, एक मगर ने उनके पांव को पकड़ लिया, और मगर ने जब, क्योंकि जल का राजा तो मगर होता है, तो मगर ने जब पांव को पकड़ लिया तो भगवान जो थे, ये गजानन जो थे, उस उन्होंने भगवान को पुकारा, ठीक है। अभी श्रद्धा विकसित नहीं हुई है, क्यों भगवान को उन्होंने ने पुकारा? अभी इसीलिए पुकारा कि किसी तरह का तकलीफ में है। तो आर्त कौन होता है? आर्त वो होता है कि जब कोई किसी तरह का तकलीफ होता है, ठीक है। और भगवान किसी भी रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं वो नहीं मालूम, साक्षात भगवान आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, भगवान कपड़े के रूप में भी आ जाते हैं। जब द्रौपदी माँ, द्रौपदी जी का जब पूरे सभा में वस्त्र का हरण हो रहा था, तो
सिर्फ वो क्या थी, वो आरती थी। आर्त क्यों, कैसे उसको देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय तकलीफ था उनको, उन्होंने भगवान के नाम को पुकारा, भगवान कपड़े के रूप में आए, नाम के रूप में आए। तो नाम कितना शक्तिशाली है, देखिए, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने इस पूरे कलयुग में नाम में सारी शक्ति डाल दिया है, ठीक है। तो नाम से ही भगवान किसी भी रूप में आते हैं। तो ये गजानन हाथी का एक उदाहरण है, आर्त के, द्रौपदी, रानी द्रौपदी का है उदाहरण। आर्त को अर्थार्थी, अर्थार्थी का क्या मतलब होता है, वो जो कुछ धन चाहता है। ध्रुव महाराज थे ना, 5 साल के बालक थे, अपने पिता से, जब उनके सौतेली माँ ने उनको बोला, जब पिता के गोद में बैठे हुए थे, तो सौतेली माँ ने उनको बोला, क्या बताया, कि तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, तुम इस जन्म में तो तुमको ये राज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने पुत्र को चाह रही थी राज के लिए। तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आता है, वहां से विलाप करते हुए माता जी अपने माता के पास पहुंचते हैं, उनकी माता बोल उन माता से बोलते हैं, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। उनके उनके परदादा कौन थे, ब्रह्मा जी स्वयं थे, उनके दादा कौन थे, स्वयं विमनु थे, ठीक है। तो बोले, मुझे अपने अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनका क्या उद्देश्य था, अर्थार्थी थे, इकोनॉमिकली धन चाहते थे। तो उनके माता ने बोला, जाओ जंगल जाओ, ये तो तुमको मैं तो नहीं दे सकती, भगवान ही दे सकती, जाओ तुम। तो भगवान के, तो पूछते हैं कहाँ भगवान मिलेंगे, तो जंगल में मिलेंगे। तो जंगल में जाते हैं और फिर तपस्या शुरू करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोल के तपस्या शुरू करते हैं, और एक टांग पे ही तपस्या करते हैं। तपस्या से इतने प्रभावित होते हैं, नारायण जाते हैं, भगवान पहले नारायण को भेजते हैं कि जाओ इनको, इसका परीक्षा लो, पहले परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। वो डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा कथा है। और फिर नारायण स्वयं आते हैं, लेकिन नारायण स्वयं आते ही क्या होता है, नारायण स्वयं आते ही फिर उनको बोलते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं पत्थर मांग रहा था, कंकड़ मांग रहा था, मुझे हीरा मिल गया। परंतु यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, कि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था धन, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक वेलबींग, हम धन कमाना चाहते थे ध्रुव महाराज। जिज्ञासु, जिज्ञासु का नैमिषारणी के ऋषिगण, जो इंक्यूजिविटिव, इंक्यूजिटिव होता है ना शब्द, अंग्रेजी में एक शब्द आता है, जो जानने की इच्छु है, हम लोग सब जानने की इच्छु थे। तभी जब लेवल 1 शुरू हुआ, आप सब लेवल 1 में जुड़े, फिर लेवल 2 किया, फिर आप लेवल 3 आए, कुछ जानना चाह रहे थे, जिज्ञासा था, ठीक है, जिज्ञासा था। जिसको जिज्ञासा होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ लेता है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि भी दे देते हैं, 10वें अध्याय में बोलते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, जिज्ञासा करने की कोशिश करते हैं। पता चला दूसरे लोग फेसबुक जैसे सोशल साइट में जा करके बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन एक जिज्ञासु को क्या दिखता है, वो मैंगलोर का लिंक दिखता है, ठीक है। वो देख हर जगह जिज्ञासा करना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु। नैमिषारणी के ऋषिगण सुधकुमार गोस्वामी से बोलते हैं कि मुझे भगवान के विषय में बताइए, तो जिज्ञासु। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या कौन है, ब्राह्मण के, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, ठीक है, वो ज्ञानी थे, वो भगवान के तत्व को ऑलरेडी जानता है और समझने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके लोग हैं जो कनिष्ठ में आते हैं, बेस लेवल के हैं, ठीक है। हम यही रोकते हैं आज, और कल हम इसको पूर्ण करेंगे, कल 4था अध्याय भी हम समापन करेंगे। तो आज हम, हमने क्या क्या किया, आज 3रा अध्याय हमने शुरू किया, और 3रे अध्याय में हमने क्या किया, 3रे अध्याय में हमने पढ़ा कि 3 तरीके के भक्त होते हैं, भक्त की पात्रता क्या होती है, भक्त की पात्रता, भक्तों की पात्रता क्या होती है, भक्तों की पात्रता भगवान बताते हैं, कोई नहीं, बस श्रद्धा, जिसका अगर श्रद्धा विकसित हो गया, अगर वो भौतिकता में भी लीन है लेकिन श्रद्धा विकसित हो गया, वो भक्ति का पात्र है, कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। हम जैसे, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, कहीं हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े लोग समाज में क्या बोलता है, नहीं, तुम भक्ति नहीं कर सकते, ये शूद्र भक्ति नहीं कर सकता, ये भक्ति नहीं कर सकता, भगवान शास्त्रों में साफ बता देते हैं आज
कोई भी भक्ति कर सकता है, बस श्रद्धा विकसित होनी चाहिए, ये है योग्यता। और फिर तीन तरीके के हमने भक्त को देखा। पहला होता है उत्तम भक्त, जो शास्त्रों में निपुण होता है, शास्त्रों के उद्देश्य को जानता है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? चरम भगवान की प्राप्ति, यही उद्देश्य है। और क्या करता है? गुरु और गुरु के आदेशों का पालन करता है, उनका अनुसरण करता है। ठीक है, और उनके उद्देश्यों को पालन भी करता है, और पूरे जन सबको वो उसका सबका उपकार करता है, परोपकार करता है, सबको कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करता है। मध्यमा भक्त कौन होता है? मध्यमा भक्त वो भक्त होता है जो अभी शास्त्रों में निपुण नहीं होता है, परंतु श्रद्धा पूर्ण रूप से दृढ़ हो चुकी है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहु शाखा हिनंता श बुद्धि यो व्यवसाय नाम। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तुम अर्जुन को कहते हैं तुम्हारा जो बहुत जगह तुम मत बहु शाखा हिनंता श, ये करना है वो करना है, करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक जगह भगवान ही परम है, ये उसको दृढ़ हो चुका है वो मध्यमा भक्ति। अभी शास्त्र में लेकिन निपुणता नहीं आया। और जो तीसरा होता है वो प्रथम श्रेणी का, जो सबसे निचले भाग का भक्त होता है, वो क्या होता है? कनिष्ठ साधक भी शुरू किया है, श्रद्धा कोमल होती है, कहीं भी डगमगा जाता है, शास्त्रों का ज्ञान और तत्व का बिल्कुल उसको ज्ञान नहीं होता है, और भौतिकता में बहुत लीन है, वो कभी भी डगमगा सकता है। ठीक है, अर्जुन को बोल दें कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हो, तो कोई और मंत्र करने लगेगा, भगवान को भोग क्यों अर्पित करते हो, तो वो भोग छोड़ देगा, अगर उसको किसी ने समझा दिया तो छोड़ देगा। ठीक है, फिर हमने देखा ये जो कनिष्ठ भक्त हैं उसके चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सातवें अध्याय में हमने पढ़ा है, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार होते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, आर्थ कौन होता है? जो किसी तरह का पेन में है, तकलीफ में है, गजानन हाथी का हमने उदाहरण देखा। दूसरा क्या है? अर्थार्थी, जो किसी तरह का धन चाहिए, उसका उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज है, जो अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते थे, उसके लिए तपस्या किया उन्होंने। तीसरा जिज्ञासु नैमिषारण्य के ऋषिगण, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे चौथा ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं और ज्ञान के द्वारा भगवान से प्रेम करना है, और उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं और जानना चाहते हैं, तो वो चतुष कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सनातन सनंद कुमार और सनातन और सनंद कुमार, ये चार पुत्र हैं उनके। ठीक है, वो उदाहरण है। ठीक है, अब कल हम देखेंगे कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ये कनिष्ठ भक्त मध्यमा और उत्तमा कैसे बन सकता है। ठीक है, इसको समापन करेंगे और कल चौथे अध्याय को भी समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ साझा करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रीति रानी माता, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। क्लास का टाइमिंग क्या क्या रहेगा? और मतलब 6 to 7 ही है, वीक में कितने दिन होगा क्लास? 2 दिन होते हैं माता जी, आज है और कल है। आज से ही हमने शुरू 6 बजे शुरू किया है, क्योंकि मंदिर से, वैसे तो 7 बजे था पर मंदिर से निर्देश आया तो 6 बजे से शुरू किया है हमने आज से। ठीक है, 6 से 7 रहेगा माता जी, और 2 दिन कक्षाएं होंगी, आज गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रवेश गोयल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु। प्रभु जी, इस बुक में हमने स्टडी किया, तीन प्रकार के रस होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक रस, और एक होता है भौतिक रस, और एक होता है भक्ति रस। सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है प्रभु जी? भक्ति रस, यही हम सोच रहे थे, भक्ति रस में जो आनंद है वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि तो भक्ति रस के सामने सारे रस बेकार है, किसी काम के नहीं है, मतलब कहने का मतलब मजा ही नहीं आएगा। जिस इस रस को जिसने चख लिया उसके सामने सारे रस बेकार है।
जी बिल्कुल प्रभु, हमारे बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि इंसान यदि बीमार भी है, तबीयत भी खराब है, फिर भी उसको रस इतना आ रहा है कि वो आराम से मतलब बीमारी में भी हरे का भजन करेगा, उसको मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, रागा रस। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। भौतिक अरे अरे उसी अरे उसी को उस पूरे ग्रंथ का तो मुख्य उद्देश्य यही है ना, आपने तो समझाया था। पूरे ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ही कि भौतिक रस को कि रस को जागृत करना और भौतिक रस का तत्व को सर्वोच्चता को स्थापित करना। रागा रस में बड़ा आनंद है प्रभु जी, ये बात तो सही है। जो इसको जान जाएगा उसके सामने सब बेकार है जीवन। हरे हरी हरी बिल्कुल, हरी बोल, हरी बोल, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सोनिया शर्मा माता जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी तो ये फर्स्ट क्लास है, कितनी क्लास हो चुकी है पहले ही? 4 क्लासेस हुई हैं माता जी, मुझे स्मरण प्रभु है। जी इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारा तो अभी हाँ संडे को 11/2 रिकॉर्डिंग, कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और ये साइकिल में चलता रहेगा माता जी। कुछ मिस हो गया है तो जब हम ये लेवल 3 कंप्लीट होगा तो फिर हम वो लेवल 1 वो दोबारा हम भक्ति रसामृत सिंधु फिर दोबारा स्टार्ट होगा। तो आपको मान लीजिए कहीं भी कोई कुछ चीजें रह जाती हैं समझने के लिए तो दोबारा वो क्लास अटेंड कीजिएगा, और नहीं आता है तो अभी इसके दौरान समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, 4 क्लासेस हो गई तो हैं, मैं कोशिश करता हूँ प्रभु हर जी क्लास। इसमें जी प्लीज, इसमें मतलब असाइनमेंट होते हैं या क्या टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं इसमें हाँ पता नहीं। असाइनमेंट होंगे माता जी, बिल्कुल असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट्स होते हैं और असाइनमेंट्स आपको जमा करना है। असाइनमेंट्स आसान होते हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ लिखने का नहीं रहता है, आपको शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। ठीक है, और वो चर्चा के माध्यम से आप सभी लोगों का भक्ति वृक्षा चलता है। ठीक है, अगर आप नए आए हैं आज ज्वाइन किए तो भक्ति वृक्षा आइए, बहुत आसान प्रश्न है, असाइनमेंट्स होंगे आपके, इसको पढ़िए। एक्चुअली हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है माता जी, मुख्य उद्देश्य है भक्ति। हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी साधना को और बढ़ाएं। ठीक है, ये जी उद्देश्य है। किसी तरह का परीक्षा के माध्यम से कभी भी टेंस्ड मत होइएगा कि मुझे परीक्षा देना है। परीक्षा एक माध्यम है अपने ज्ञान को चेक करने का कि हमारा ज्ञान सही है, स्वाधाय सही है, नहीं है, पर वो उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी भक्ति, अपनी साधना को और दृढ़ बना सके। ठीक है माता, तो जी बिल्कुल उसके लिए कोई आप वो मत समझ, आसान है असाइनमेंट, मिल करके सब मिल करके आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो भक्ति वृक्षा का ग्रुप इसका अलग है तो मुझे लेवल 3 का। हाँ भक्ति वृक्षा ग्रुप चलता है, आपकी एडमिन है वसुधा माता जी, और इसमें लिंक में उनको बोल दूंगा मैं, ये लिंक भेज देंगी आपको। भक्ति वृक्षा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो जो अभी तक जी नहीं सर, ज्वाइन किए, क्योंकि अकेले में पढ़ाई नहीं हो पाती है। अकेले में जी हम यही यही 6 बजे से 7 बजे तक जो हम आज पढ़ रहे हैं, किसी और दिन होता है तो हम दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम देखिए अभी सतोगुण का कार्य हो रहा है हमारा, हम भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो सब साधक हैं, मुझ जैसा व्यक्ति जी साधक है, तो मुझे ये मैं बहुत ही मेरा खुशकिस्मती है कि मैं योग्य, बिल्कुल योग्य नहीं हूँ इस बोलने के लिए, फिर भी अपने मुझे हम लोग को शुद्ध होने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो जी प्रभु माता को बोलता हूँ, लिंक भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिए, साथ जी में पढ़िए मिल करके। हरे जी प्रभु जी, कृष्ण, धन्यवाद। रेखा सिंह माता जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु मत जी मत। 7 बजे का टाइम ना हो गया, बच्चों का ना खाना वाना सब चीजें करनी पड़ती है मॉर्निंग में, और वो पॉसिबल किचन में कंटिन्यूस लगे रहना पड़ता है, तो 7 बजे सही था, सबको भेज के फ्री हो जाती थी। अब 6 बजे मेरी क्लास हो गई प्रभु जी। माता जी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2 दिन का है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये मंदिर का निर्देश है, तो ये हमारा मेरा स्वयं का डिसीजन नहीं होता है, मंदिर जो आदेश देता है हम लोग को उस आदेश को पालन करना रहता है बस। माता कोशिश कीजिए इसको एडजस्ट करने का है, 2 दिन का है कक्षा, तो मैं समझता हूँ आपका कंसर्न, इस समय बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें तैयारी भी करनी किचन पड़ती है। में फिर सब रेडी करना पड़ता है सब चीजें, उस चक्कर में ना बिल्कुल वो नहीं हो पाता, फिर एक चक्कर ठीक है, ये। और तो माता जी क्लास को,
आप लोग सभी लोग भक्ति वृक्षा ज्वाइन कीजिए, तो क्या होगा, माता जी से मैं वोटिंग करा लूंगा या माता जी को बोलूंगा आप सभी से वोटिंग कर ले, क्या सही समय है, शाम का समय नहीं उपलब्ध है, सुबह का ही क्या सही समय है, आप लोग सब मिल करके माता जी को बता दीजिएगा वोटिंग करके, तो फिर मैं मंदिर के पास रखता हूँ, फिर देखते हैं उसको क्या मंदिर क्या निर्णय लेता है, ठीक है माता, ऐसा कर सकते हैं। हरे हाँ जी प्रभु जी। कृष्ण। मंत्री श्रीवास्तव कह रहे हैं प्रभु जी मेरा तो स्कूल रहेगा 7 बजे, देखिए 6 बजे, अभी ये तो हम लोग को एक कॉमन ग्राउंड निकालना पड़ेगा सभी को, है ना, कॉमन ग्राउंड निकालना होगा, क्योंकि भगवान के लिए इतनी तपस्या तो हमें करनी पड़ेगी, अपना एक चीज को एक साइड रखना पड़ेगा, तो एक कॉमन ग्राउंड में आकर के हमें करना पड़ेगा। पुष्पा माहौरी माता प्लीज अनम्यूट गुड कीजिए। इवनिंग प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट टाइम इसका क्लास है। और अच्छा प्रभु जी मुझे भी पूछना था भक्ति परीक्षा का क्या टाइमिंग होगा, और अब शुरू हो गया है भक्ति परीक्षा लेवल 3 के लिए या नहीं? हाँ शुरू हो गया माता जी, लेकिन वो तो अध्ययन कंटिन्यूअस आप लोग मिलकर अध्ययन होते रहता है, भक्ति वृक्षा 6 बजे सुबह ही होता है, मॉर्निंग में है, जैसे मैं माता जी से समझाऊं मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा है माता, मैं आपको सबको समझाता हूँ कि सुबह का समय, एक बार व्यक्ति भौतिकता में लग जाता है 8-9 बजे के बाद, फिर समय निकालना वो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बेस्ट समय है, आपको पूरा दिन अच्छा जाता है, ये आप खुद भी महसूस करेंगे, कोई भी कार्य सुबह अगर करके आप निकलते हैं बेस्ट टाइम है, तो 6 बजे है मुझे लगता है, 6 बजे से 7 बजे तक जैसा भी आपको ठीक लगता है पढ़िए साथ में मिल करके, माता जी को बोलता हूँ दोबारा लिंक भेजेंगे आप लोग, मिल करके साथ में पढ़िए, और साथ में मिलके पढ़ेंगे तो बहुत सारा विचार भी आएगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, है ना माता। और किन्हीं का प्रश्न है, आपका कोई और प्रश्न है रेखा सिंह माता जी? हरे कृष्णा। अच्छा कोई प्रश्न नहीं है हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। जी तो फिर वो जो भक्ति वृक्षा का क्लास होगा तो वो जिस दिन ये वाला क्लास है लेवल 3 का उस दिन नहीं होगा, बाकी दिन होगा? हाँ, उस दिन नहीं होगा वो, ठीक है। शायद 3 या 4 दिन वो क्लास नहीं होता माता जी, वो आपस में भक्त लोग मिल करके बैठ के ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसको चर्चा करते हैं, सीखते हैं, ऐसा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा होता है, भक्ति वृक्षा एक लीगल इंटिटी है इस्कॉन में, जहाँ पे भक्त लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं पढ़ते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा है, 4 बजे 6 बजे से शुरू होता है शायद, 6 से 7 है ऐसा ही है कुछ समय, तो साथ में मिलके पढ़िए, आपको लिंक भेज देंगे, माता जी को बोलता हूँ आपसे बात भी जी करें, प्रभु जी, ठीक है माता। मैंने एक भक्ति वृक्षा का ग्रुप ज्वाइन किया था, इवनिंग में है वो, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो रात को 9:30 बजे तक, 9:30 पौने 10 तक हो जाता है, तो फिर सुबह उठा नहीं जाता, इसीलिए हाँ। सुबह वाला क्लास ही बेटर है हमारे लिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह का समय सबसे सबसे उत्कृष्ट समय है, शाम को आप अपना परिवार के साथ दीजिए, ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, ये सबसे समय शाम का समय पूरा डेडिकेट कीजिए अपने परिवार के साथ, अपना ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, सुबह का समय ये बिल्कुल, जब सभी लोग आधे लोग सोए रहते हैं घर में, तो अपना आपका अपना जो साधना है उसको कंप्लीट कीजिए, माला कीजिए, मंदिर के प्रोग्राम कीजिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, फिर अपना पूरा दिन अच्छे से गुजारिए, है ना, ठीक है चलिए चलते हैं। वांछा कल्पत्रु भस्य कृपा सिंधु चय पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः आनंद कुटी वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्णा।